बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ISO 45001 हम डिस्कस कर रहे हैं हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे मेन पार्ट है, स्टेटमेंट ऑफ कंटेंट है, मैनेजमेंट कमिटमेंट है, कमिटमेंट ऑफ हायर मैनेजमेंट है। ये एक जनरल अप्रोच होती है जिससे हम डिफाइन करते हैं कि हमने जो एम एंड ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं हम उनको किस बेस पे जाके या किस तरह हम उसको अचीव कर सकते हैं। प्रॉपरली फ्रेमवर्क सेट किया जाता है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड की जाती हैं एज पर एम एंड ऑब्जेक्टिव्स। हमने एम एंड ऑब्जेक्टिव को किस तरह अचीव करना है तो टॉप मैनेजमेंट से लेके लोअर वर्कर तक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट की जाती हैं ताकि हम इजीली जाके अपनी एम एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करें। हमारी कंपनी का हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर कैसा होगा, क्या स्टैंडर्ड्स हमने मेंटेन करने हैं, किस तरह की हमारी कंपिटेंसी लेवल होगा, किस तरह के हमारे रिकॉर्ड कीपिंग स्टैंडर्ड होंगे, हमारे KPIs क्या होंगे, ये सब चीज़ें हम हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी में डिफाइन करें। तो मैनेजमेंट जो टॉप मैनेजमेंट होती है उसके जितने भी एक्शन होते हैं वो एज पर कंपनी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को कंसिडर रख के बनाए जाते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी को भी उतनी ही प्रायोरिटी दी जाती है जितनी एग्जीक्यूशन या जितनी टारगेट अचीव करने को दी जाती है। तो इस तरह कंपनी अपने तमाम टारगेट्स को अचीव करने के साथ साथ हेल्थ एंड सेफ्टी को भी प्रॉपर प्रायोरिटी देती है। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी का कुछ फिक्स फॉर्मेट नहीं होता, एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट, एज पर कंपनी वर्क स्कोप, एज पर कंपनी साइज एंड कंडीशंस वेरी कर सकती है। यानी कि इसका कुछ स्पेशल फॉर्मेट नहीं रहेगा, ये एक स्टेटमेंट ऑफ कंटेंट है, कमिटमेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट है कि हमने ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट किए हैं, ये हमारे एम एंड ऑब्जेक्टिव हैं HSC के रिलेटेड, हमने इनको अचीव करना है। इसकी एग्जाम्पल आपको ऐसे दे दूँ कि एक जो कंपनी है जो कि एक सिंपल मैनुफैक्चरिंग कंपनी है वो एक लो हैजर्ड एक्टिविटीज रहेंगी तो उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी भी उस हिसाब से रहेगी। लेकिन इसके बरक्स अगर हम बात करें ऑयल एंड गैस की, जहाँ पे हाई रिस्क एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल की रहेगी। मैनेजमेंट कमिटमेंट उसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल की चाहिए तो उसी बेस पे उसके एम एंड ऑब्जेक्टिव सेट किए जाएंगे और रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट लेवल भी, कॉम्पिटेंसी लेवल भी उसी तरह हाई रहेगा। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी इसके साथ साथ लीगल रिक्वायरमेंट भी है। तो इसको मैं एक रिव्यू करता जाऊँ कि हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है कि हायर मैनेजमेंट से साइन की जाती है, हायर मैनेजमेंट इसको ऑन करती है और ये आपकी एक लीगल रिक्वायरमेंट होती है जिसमें आप अपनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसाइड करते हैं कि किस तरह आपने एम एंड ऑब्जेक्टिव जो आपने सेट किए हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के रिलेटेड आपने अचीव करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आ चुका होगा। अगर इस टॉपिक में आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और इस वीडियो को अपने उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें जो निबोश IGC को उर्दू और हिंदी जबान में करना चाह रहे हैं। आपके वक्त देने का।